एक बार राम श्याम नाम के दो आदमी जंगल में घूम रहे थे। उन्हें एक गुफा दिखती है तो वो उस गुफा के अंदर चल देते हैं। आगे जाने पर वो देखते हैं कि वहाँ एक चुड़ैल सोई है। राम जाता है और चुड़ैल का तोता उठा लेता है। तोते को उठाकर वह वहाँ से भाग जाता है। जैसे ही राम के पीछे श्याम भागने की कोशिश करता है तो चुड़ैल उड़ जाती है। चुड़ैल को देखकर श्याम घबरा जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है, मगर चुड़ैल भी श्याम के पीछे पीछे भागने लगती है। श्याम भागते भागते गांव में पहुंच जाता है जहां पर राम छुपा था। श्याम भी उसके संग एक घर में छुप जाता है। उसके बाद चुड़ैल उसके पीछे पीछे वहीं पहुंच जाती है और चुड़ैल उन दोनों को देख लेती है। वो भी कमरे के अंदर घुस जाती है और उन दोनों से कहती है कि वह उसका तोता वापस कर दे, मगर श्याम कहता है कि उसे सोना चाहिए। तब चुड़ैल उसे खूब सारा सोना देती है, जिससे श्याम का लालच और बढ़ जाता है। तभी वहां राम की बीवी उसे ढूंढते हुए आ जाती है और वह चुड़ैल से विनती करती है कि चुड़ैल वो उन सबको जाने दे। राम और उसकी बीवी चुड़ैल से विनती करते हैं कि उन्हें सोना नहीं चाहिए, वो अपना तोता ले ले और उनकी जान बख्श दे। मगर श्याम बहुत लालची था, वह तोता नहीं देना चाहता था। तब राम की बीवी और राम चुड़ैल से माफी मांगकर वहां से निकल जाते हैं और श्याम अपने लालच के कारण वही रहता है और चुड़ैल से अनेकों चीजें मांगने लगता है। तभी श्याम के हाथ से वह तोता फिसल जाता है और उड़ जाता है और तभी चुड़ैल को अपना रूप दिखाना पड़ता है। राम और उसकी पत्नी घर के बाहर खड़े होते हैं कि श्याम के चिल्लाने की आवाज आती है। चुड़ैल उसे कहती है कि वह अब श्याम को नहीं छोड़ेगी क्योंकि श्याम बहुत लालची है। तो देखा दोस्तों, श्याम ने लालच के कारण अपनी जान गंवा दी। तभी लालच बुरी भला है।